अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो, सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में अलग अलग शुक्र अदा करते रहा करें और करते ही होंगे। और रमज़ान आने वाले हैं, तो मेरी तरफ़ से एशियन फूड लवर बाय रीमा खान की तरफ से आप लोगों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस महीने की रहमत और बरकतों से नवाजे और हम इस महीने की जो रहमत और बरकतें होते हैं वो हम समेट सकें, हमें इस काबिल करें ना कि हम अपना वक्त ज़ाया कर दें। हर एक एक पल को हम अच्छे से समेट लें और उससे हम फ़ायदा उठा सकें, ठीक है जी, और अपने रब को राज़ी कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़िश, तो हमने ये फ़िश बनानी है। फ़िश मैंने अच्छे से धो ली थी, ठीक है जी। धोने के बाद हमने इसको सिरके के पानी में सिरका पानी बना के रखना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो मर जाए। मैंने ऑलरेडी जब ली थी तो धो के फ्रीज़ कर धो के सारा सिरके का पानी वानी करके फाइनली इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन लिया, पैन में मैंने प्याज डाला, ठीक है जी। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करके निकाल लेना है, ठीक है जी, उसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे हमने हल्दी, नमक और पिसी हुई मिर्चें हल्की हल्की सी डाल के और जो इनको बस मिक्स कर लिया, ठीक है जी। ना मैंने कुछ और डाला है, ठीक है जी। ये हमने साइड में रख दी थी, ये मैंने पेस्ट बना लिया है। एक अदद बड़ा वाला प्याज लिया था मैंने, उसको ब्राउन किया, ठीक है, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया, फिर निकाल लें। फिर मैंने दो अदद छोटे टमाटर डाले, छिलके उतार के ले लें या छिलके समेत डाल लें, तो उसका फिर मैंने पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे हमने फ़िश मसाला ले लें, कोई भी ले लें आप, ठीक है। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, कोई स्पेशली नहीं, जो भी पड़ा है घर में आप ले लें एक्स वाई जेड। ये मैंने फ़िश मसाला लिया, हल्दी ली, नमक लिया, ज़ीरा लिया एक चुटकी, इसे भी मिर्चें ली, और हमें पुदीना चाहिए और हमें गोल कटे हुए टमाटर चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे ऊपर से गार्निशिंग होगी, ठीक है जी। ये हम मसाला ले रहे हैं और हम अब अपना मसाले की तरफ चलते हैं। ये हमने मसाला लिया है, ठीक है जी। अब हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं कि अब हमने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमने उसी तेल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था अपना ये पेस्ट डाला है, ठीक है जी। पेस्ट हमारा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पानी में आप मत डाल देना कि ग्राइंड करते हुए ज़्यादा पानी डालना, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा हमारा थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक डालते हैं। ये इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला, ठीक है जी। जो हमारे प्लेट थी मसालों की हमने वो ऐड कर देनी है और अब हमने इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। एक से दो घूट पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया ताकि जो मसाला ऊपर लगा हुआ था और थोड़ा सा अच्छे से भुनाई करने के लिए हमारा मसाला ना लग जाए, क्योंकि पानी हमें थोड़ा सा डालना है। अगर पानी ज़रा सा भी नहीं होगा और भुनाई करते रहेंगे तो हमारा सारा मसाला जल जाएगा। तो ये देखिए, अब हमने इसकी भुनाई करते रहना है, ठीक है जी, ताकि तेल हमारा थोड़ा ऊपर आ जाए और मसाले में ये जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन ले लेना है और फ्राई पैन में हल्का सा तेल डाल के अपनी मच्छी के एक एक पीस को फ्राई कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है और ये हो रहा है, हमने अपने फिश के पीस अच्छे से बस सेक लेने हैं, एक साइड होने देंगे। फिर जब एक साइड हो जाएगी फिर हम पलटेंगे, ठीक है जी। दोनों साइड को हमने हल्का सा फ्राई करके फिर अपने मसाले में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हम फ्राई करते करते फिर अपने मसाले में डालते जाएंगे और हमने आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे मसाले की, ठीक है जी। ये हल्की हल्की सी बस लाइट से ब्राउन कर लेनी है हमने, मतलब ये देखिए, ठीक है। मैं सारी इसमें डाल दी थी ये दिखाने के लिए, अब हमने इस मसाले में ये रखनी है, फ्राई करके डालती जानी है और हल्की आंच कर देनी है, ठीक है जी। बाकी सारी मैं फ्राई करती हूँ, ये सारे पीसेस हमने हल्के हल्के से फ्राई कर लिए, ठीक है जी, और हमने ये अपने मसाले में डाल दिए। अब हमने ये प्लेट जो टमाटर थे, हरा धनिया और पुदीना, अब हमने ये डाल देना है इसमें, ठीक है, और दम पे रख देना है। बड़ी मज़े की बनती है, लाजमी खाइएगा, लाजमी बनाएं, लाजमी खाएं, खिलाएं, बड़ी मज़े की बनती है फिश, यम्मीएस्ट फिश, ठीक है जी। अब हम इसको दम दे देंगे, 5 to 6 मिनट्स दे दें बस, इनफ, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक, ठीक है जी। लेवल 2 आ रहा है, इसको हम पलटते हैं, ये देखें, ठीक है।
तो हम आपको डिश आउट करते हैं। चलें जी, डिश आउट हो चुकी है हमारी फिश, देख सकते हैं आप मसाला कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चावलों के साथ खाएं, मैं चावलों के साथ खाऊंगी, खिचड़ी के साथ, ठीक है जी। गर्मी है, हल्की फुल्की खिचड़ी हो जाए और मसाला वाली फिश हो जाए तो फिर मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। और लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रमज़ान में दुआओं में याद रखिएगा, हर पल हर घड़ी हर लम्हे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।